और सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर केस में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया था। रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में 2019 में 12 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उनको डूंगरपुर की जमीन कब्जाने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। यह मामला 3 फरवरी 2016 का है। जो कल दो सिद्धि की गई थी माननीय न्यायालय सेशन कोर्ट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट से, इसमें आज 10 साल की सजा सुनाई गई है और सभी सेक्शंस में कुल जुर्माना 14 लाख रुपए का आजम खान साहब पर लगाया गया है और बाकी बरकत अली है जो दो सिद्ध, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है और 6 लाख रुपए का जुर्माना है उन पर। ये जो मामला डूंगरपुर से संबंधित मैटर था और इसमें जो बादी अबरार है इनके द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था कि उनके घर में घुस के मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, घर को तोड़ दिया गया, ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे जिसमें आज ये फैसला आया है।